अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर टीचर ऑफ जूनियर इंग्लिश। टुडे इज़ 23 मई सैटरडे। आज ये आपकी डायरी में जूनियर इंग्लिश का पेज नंबर है 29। पेज नंबर 29 है जूनियर इंग्लिश का, और आपका है आज जो टॉपिक है वो है एडिंग ईडी टू वर्ब्स। वर्ब्स कहते हैं जिन काम करने वाले को, ठीक है, फेल जो होते हैं जिन पर काम किया जा रहा होता है, ठीक है। अब देखिए हमने इनको वर्ब के साथ क्या ऐड करना है, ईडी करना है। टू मेक अ वर्ब शो पास्ट टाइम वी एड ईडी। हमने वर्ब को गुजरा हुए ज़माने को शो करना है क्या ऐड करके, ईडी ऐड करके, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है ये हमारे पास एक्टिविटी है एड ईडी टू ईच ऑफ दीज वर्ब। हमने वर्ब के साथ क्या ऐड करना है, ईडी, क्या शो करवाने के लिए, पास्ट टाइम को शो कराने के लिए हमने हर वर्ड के साथ, हर वर्ब के साथ क्या ऐड करना है, ईडी ऐड करना है, ठीक है। अब हम आज की डेट रेडी करेंगे। टुडे इज 23 मई सैटरडे। एस ए टी यू आर डी ए वाई सैटरडे कोमा 23 मई टू, ठीक है। आज की आपकी ये डेट थी। नेक्स्ट टाइम में आप लिखेंगे होमवर्क, एच ओ एम ई डब्ल्यू ओ आर के वर्क, होमवर्क, ठीक है। अब हमारे पास जो है पेज नंबर क्या है, हमारा पेज नंबर 29, जिसमें हमने क्या या आज हमने करना है, हमने वर्ब को पास्ट टाइम शो कराने के लिए क्या ऐड करना है, ईडी ऐड करना है। एडिंग ईडी टू वर्ब, एडिंग ए डबल डी आई एन जी, एडिंग ईडी टू वर्ब, ठीक है, वी ई आर बी एस वर्ब्स, ठीक है। हमने ऐड करना है ईडी वर्ब को पास्ट टाइम शो कराने के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लाइन पे देखें जी, हम नंबरिंग देंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 जी। हमारे पास है, फर्स्ट है हमारे पास रेन, आर ए आई एन, रेन। रेन के साथ हमने क्या लगाना है, ऐड करना है, ये हमारे पास क्या है, वर्ब है, रेन है हमारा एक वर्ब। वर्ब कहते हैं फेल, यानी कि काम करने वाले को हम वर्ब कहते हैं। अब क्या है, बारिश, बारिश क्या एक काम कर रही है ना, कि बारिश हो रही है, यानी किसी भी सेंटेंस में जो हमारे पास काम कर रहा है वो हमारे क्या कहलाता है, वर्ब, यानी कि फेल कहलाता है, ठीक है। रेन के साथ हम क्या लगाएंगे, ई डी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा पास्ट टाइम में, हमारे पास ये चला जाएगा जो कि हमारे को जो वर्ब जो है वो पास्ट टाइम को शो करेगा ऐड करने से, ई डी ऐड करने से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें हम, प्ले, पी एल ए वाई, प्ले, प्ले के साथ क्या ऐड करेंगे हम, ये वर्ब है, वर्ब के साथ हमने क्या ऐड करना है, ई डी, तो ये कहाँ चला, ये पास्ट टाइम में शो हो गया। अब देखें, अब नेक्स्ट है च्यू, सी एच ई डब्ल्यू, ठीक है। इसके साथ हमने पॉइंटर से लाइन ड्रा करनी है और क्या ऐड करना है, ई डी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेट, डब्ल्यू ए आई टी, वेट, मी, वेट के साथ हम क्या ऐड करेंगे जो कि पास्ट टाइम को शो करे, तो वो हम क्या ऐड कर रहे हैं, ई डी, ठीक है। ये हमारे पास जो वर्ब है वो किस सेंटेंस को शो कर रहा है, पास्ट टेंस को, गुजरा हुआ ज़माना जिसको हम कहते हैं, जो वक्त गुजर चुका है, ठीक है। आज के साथ हम क्या ऐड करेंगे, ई डी, ठीक है। ये हमारे पास जो है पास्ट टाइम में चला गया, फेल वर्ब, ठीक है। आज हमने जो है, नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स, आपके पास बार्क, बी ए आर के, बार्क, ठीक है। बार के साथ हम क्या लगाएंगे, ई डी। नेक्स्ट है आपके पास सिक्स है, सेवन है आपकी, सेवन पे आपके है फिल, एफ आई डबल एल, फिल, ठीक है। फिल के साथ वही हम पॉइंटर से लाइन ड्रा करेंगे एंड देन ऐड ई डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेवन के बाद आप एट की नंबरिंग देंगे पॉइंटर से, हाँ जी। अब है आपके पास पिक, पी आई सी के, पिक मीन पकड़ना, ठीक है। इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, ई डी,
शो ये क्या करवाएगा, पास्ट टेंस को शो करवाएगा, ठीक है। ये आज का हमारा जो था 23rd में सैटरडे का आज का वर्क था, जिसमें हमने ऐड करना था ईडी टू वर्ब। हर वर्ब के साथ हमने क्या ऐड करना था, ईडी ऐड करना था टू शो पास्ट टाइम। पास्ट टाइम को हमने शो कराने के लिए गुजरा हुआ ज़माना, हम जो है हमारे पास पास्ट टाइम का मतलब है गुजरा हुआ वक्त। वो कैसे शो होगा, जब हम वर्ब के साथ हर वर्ब के साथ ईडी ऐड करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने जो है हर वर्ब के साथ ईडी ऐड किया टू शो पास्ट टाइम, गुजरे हुए वक्त को जाहिर करने के लिए हमने इस वर्ब के साथ ईडी को ऐड किया, ठीक है। ये आप मुझे जो है ये आपकी डायरी का जो था पेज नंबर था 23rd, जो कि 23rd में सैटरडे का काम है। आपने आज मुझे नीट राइटिंग में करने के बाद इस एक्सरसाइज को मुझे करके दिखाना है, ठीक है। गुड लक स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।